हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 है उसके उदाहरणों पे बात की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें दे रखा है, अमीना एक संख्या सोचती है, इसमें से वो 5/2 घटा देती है और जो परिणाम मिलता है उसको 8 से गुणा करती है, और 8 से गुणा करने पे जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो सोची गई संख्या ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा, पहले एक्स मान लेते हैं। एक्स मानते हैं, फिर जो हमें लैंग्वेज दी होती है वैसे वैसे हम संख्या लिखते जाते हैं और एक समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बना करके हम एक्स का मान निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें दे रखा है कि जो संख्या सोचती है वो संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम x मानेंगे। माना सोची गई संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब उसने क्या कहा है कि उस संख्या में से कितना घटा दीजिए, x में से कितना घटाना है, 5/2, और इस 5/2 जो परिणाम आया है उसको 8 से गुना कर दो। तो 8 से गुना कर दिया हमने, ठीक है, 8 से गुना कर दिया। अब उसने कहा है कि जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। सोची गई संख्या की जो हमें परिणाम मिला है वो बराबर है किसके, जो सोची गई संख्या हमने क्या मानी थी, x, इसका कितना है, 3 गुना है। तो इसके आगे कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब हमारे पास ये समीकरण आ गई है, यहाँ से हमने क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो किस तरह से करेंगे, आगे इसको सॉल्व करना आता ही, हमने पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिस प्रकार से 8 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x। ये माइनस का माइनस आ जाएगा, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 × 5 = 40/2 बराबर का 3x, ठीक है, 8x माइनस ये कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 20 बराबर 3x, ठीक है। अब क्या किया, 8 में से ये जो 8 का 8 पड़ा रहने देंगे इधर ही, और जो ये 3 है इसको इस तरफ लेके आएंगे, बाईं तरफ ले आएंगे, और जो ये अचर राशि है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे, 20 आ गया। अब 8 में से 3 गए तो कितने बच गए, 5x बराबर 20। यहाँ से किसका मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो 20/5, ये जो गुणा में 5 था वो इधर आके भाग में आ गए, तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 4। इस तरह से हमने किसका मान निकाल लिया, x का, ठीक है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 5 गुनी है। दोनों संख्याओं में प्रत्येक में हमने क्या कर दिया, 21 जोड़ दिया। जब 21 जोड़ा तो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। एक्स दोनों संख्याओं में किसको मानते हैं, जो संख्या छोटी हो। उसने कहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 5 गुनी। पहली 5 गुनी है किसकी, दूसरी की। तो हमें पता चल रहा है कि जो पहली संख्या वो बड़ी होगी, तो जो छोटी होती है उसको हम एक्स मानते हैं। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो क्या है, छोटी है, तो इसको हम x मानेंगे। माना दूसरी संख्या को क्या मान लिया हमने, x। अगर ये x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी, क्योंकि ये दूसरी वाली की कितनी है, 5 गुनी है। अब क्या कहा है उसने, प्रत्येक में 21 जोड़ दिया जाए।
प्रत्येक में 21 जोड़ दिया तो ये कितनी हो जाएगी पहली संख्या, कितनी हो जाएगी पहली संख्या, ये है 5x प्लस 21 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, x प्लस 21। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार जो प्रश्न में हमें दे रखा है। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि जो पहली संख्या है 5x प्लस 21 वो दूसरी संख्या की दोगुनी हो जाएगी। तो दूसरी क्या है, 2 प्लस 21, इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, दोगुनी। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे x का और यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी संख्याएँ आ जाएंगी। किस तरह से, 5x का 5x लिख दिया, 21 बराबर इस 2 को अंदर गुना करेंगे 2x, 2 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाए, 21 दुना 42। अब क्या करेंगे, अब सेम वही प्रोसेस, x वाले को एक तरफ और जो दूसरी संख्याएं हैं अचर कांस्टेंट उनको एक तरफ, ये 2x को इधर ले आएंगे बराबर 42 और ये 21 को इस तरफ ले जाएंगे दाईं तरफ। यहाँ से 5 में से 2 गए तो कितने आ जाए, 3x बराबर 42 में से 21 गए 21। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे 21 और ये 3 गुना में था इधर दाई तरफ आके, बटे में आ जाएगा 21 बटे 3 बराबर कितना आ गया, 7। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया हमारे पास, 7। यानी कि जो दूसरी संख्या हमने मानी थी, दूसरी संख्या बराबर 7, तो पहली संख्या हमने कितनी मानी थी, 5x, यानी कि 5 गुना 7 बराबर 35। इस तरह जो पहली संख्या है वो हमारे पास क्या आ गई, 35, और ये वाली संख्या कितनी आ गई दूसरी हमारे पास, 7। इस तरह से हम ये संख्याएं निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से करते थे, हमने पीछे एक उदाहरण था इस तरह का, उस पर बात की थी, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए यहाँ मैंने लिख लिया 54। 54 एक संख्या है, जो 4 है इसका वो क्या है, इसका इकाई अंक, और जो 5 है वो क्या है, इसका दहाई अंक। जब भी दहाई के अंक को लिखेंगे तो उसको 5 के साथ गुणा करेंगे, 10 के साथ गुणा करेंगे, 10 दुना 5, और जो इकाई के अंक में जोड़ेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी कि ये 4 है, और 50 में 4 जोड़ेंगे तो 54 आएगा, और 5 को हम 50 बनाने के लिए दहाई का जो अंक है हमारे पास 5, उसको 10 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास 50 आ रहा है, इसमें जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 54 आएगा। यानी कि इसका स्थानीय मान लिखना है, तो पहले इकाई का अंक लिख देते हैं, दहाई के अंक को 10 के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, सबसे पहले जो हम इकाई अंक है उसको मान लेते हैं। मान लीजिए उसको इकाई अंक पीछे वाले क्वेश्चन में बी माना था, यहाँ भी बी मान लेते हैं। मान लीजिए कितना है, बी। अब उसने कहा है कि जो दोनों अंक हैं उनका योग कितना होना चाहिए, 9। अगर उसका एक अंक बी आ गया तो उसका दहाई अंक क्या आएगा, दहाई अंक उसका आ जाएगा 9 माइनस में बी, कि दोनों का योग 9 होना चाहिए। तो एक अंक यदि बी है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 9 में से माइनस कर देंगे, वो बचा होगा जो वो दूसरा अंक आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें जो दोनों अंकों को मिला के जो संख्या बन रही है वो लिखेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या
जिस तरह से हमने ये एग्जाम्पल लिया, यहाँ इकाई का अंक रखेंगे, इकाई का अंक हमने क्या माना है, बी माना है, प्लस प्लस दहाई के अंक को किसके साथ गुणा कर रहे हैं, 10 के साथ। हमारा दहाई का अंक क्या है, 9 माइनस में बी, किसके साथ गुणा करना है इसको, 10 के साथ। तो हमारी संख्या क्या आ गई, इसको निकालेंगे, 10 को अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 90। 10 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 बी प्लस बी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 90। यहाँ 10 माइनस का और प्लस का बी है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, 10 में से एक गया, 9 बी। ये आ गई हमारी दो अंकों वाली संख्या। उसके बाद में उसने क्या कहा है हमें कि उनके स्थान यदि बदल दिए जाएं, स्थान किस प्रकार से बदलेंगे, तो स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पे, अंकों का स्थान बदला है। स्थान बदलने से क्या मतलब हो गया कि जो ये बी है उसको कहाँ ले जाएं, दहाई में, और जो ये 9 माइनस बी है इसको कहाँ कर दें, इकाई में। किस प्रकार से करेंगे, 10 को कहाँ कर दिया, इधर, सॉरी 10 को नहीं, सॉरी बी को, जो हमारा इकाई का अंक था उसको दहाई वाली साइड कर दिया, जो दहाई का अंक था उसको इकाई का अंक बना दें। इकाई का अंक बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 माइनस बी, यहाँ दहाई में था, यहाँ इकाई में कर दिया, ये इकाई में था इसको दहाई में कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 10 को गुणा करेंगे बी से, 10 बी प्लस 9 माइनस में बी, ये 10 में से एक गया कितना बचेगा, 9 बी प्लस का 9। अब उसने क्या कहा है, दी गई संख्या से 27 अधिक है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी कि 90 माइनस, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें दे रखा है ये संख्या और ये संख्या। उसने कहा है कि स्थान बदलने पे जो प्राप्त संख्या है यानी कि ये, वो दी गई संख्या यानी कि इससे कितना अधिक है, 27 अधिक है, तो दोनों को घटा देंगे और हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इसको आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको आगे 90 का 90 लिख दिया, माइनस का 9 बी, यहाँ माइनस आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 बी, ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का 9 बराबर में 27। अब क्या करेंगे, 90 का 90 लिख दिया, माइनस का 9 और माइनस का 9 बी कितने हो गए, माइनस के 18 बी, और यहाँ कितना हो गया, माइनस का 9 बराबर में 27। अब जो ये अचर संख्याएं हैं इनको दाई तरफ ले जाएंगे और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, माइनस का 18 बी बराबर 27, ये माइनस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये जो 90 प्लस का था वो कितना है हमारे पास, माइनस का 90। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 18 बी बराबर में, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 54। ठीक है, अब मान हमें किसका निकालना है, बी का, बी का मान निकालना है, तो माइनस के 54 बटे में ये जो माइनस का 18 है, माइनस भी साथ में ले लेंगे क्योंकि इधर प्लस होना चाहिए हमारे पास, तो माइनस के 18 ले जाएंगे इधर, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 तीये 54, तो बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। तो यहाँ से जो हमारे पास इकाई का अंक, इकाई अंक कितना है, 3। दहाई का अंक निकाल लेंगे, दहाई का अंक बराबर कितना था, 9 में से बी को घटाना है, 9 माइनस बी, 9 माइनस बी का मान क्या निकाला, 3, क्या आ गया, 6। तो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, इकाई की जगह रखेंगे 3 और दहाई की जगह क्या रखेंगे हम, 6। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, 63। ठीक है, इसी क्वेश्चन को यदि हमने आंसर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पलट लेंगे, जो 3 है उसको दहाई की जगह ले जाएंगे और जो दहाई वाला 6 है उसको इकाई की जगह ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी संख्या, 36।
63 में से जब 36 घटाएंगे तो वो कितना आएगा आंसर, 27। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को आंसर भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है या गलत। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।